तो दोस्त, काफी सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप मुझे ये बताओ कि वीडियो कॉल करना किस प्लेटफॉर्म पर 100% सेफ और सिक्योर रहेगा, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पर। कोई तो एक प्लेटफॉर्म होगा जिस पर 100% वीडियो कॉल करना सेफ और सिक्योर रहेगा। क्योंकि आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि अगर हम वीडियो कॉल करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर, तो काफी सारे ऐसे वायरस होते हैं जो कि अटैक करते हैं हमारे मोबाइल में, यानी कि घुस जाते हैं, या फिर काफी सारे ऐसे हैकर्स होते हैं जो कि अटैक करते हैं वीडियो कॉल करने के दौरान ही, ताकि आपका वीडियो कॉल हैक हो जाए, आपका वीडियो कॉल लीक हो जाए। तो इस सिचुएशन में होता क्या है, कुछ ऐसे पर्सनल लोग होते हैं या फिर बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं या फिर कुछ ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं जो कि पर्सनल प्राइवेट वीडियो कॉल करते हैं, और उस सिचुएशन में कोई हैकर्स अगर उन पर अटैक कर देता है तो उनका वीडियो कॉल लीक हो जाता है और सारे प्राइवेट चैट, वीडियो कॉल वगैरह लीक हो जाते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन लीक हो जाता है। तो काफी सारे लोग इसी वजह से कमेंट करते हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे बताओ, या फिर आप मुझे यही क्लियर कर दो कि किस प्लेटफॉर्म पर वीडियो कॉल करना 100% सेफ और सिक्योर रहेगा। तो दोस्त, आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना नॉलेज, जहां तक मुझे नॉलेज है, और साथ ही अपना एक्सपीरियंस, अनुभव शेयर करने वाला हूं आपके साथ। ठीक है, तो मेरे एक्सपीरियंस को सराहना करना, सराहना देना यार, क्योंकि जहां तक मुझे एक्सपीरियंस है, अनुभव है, नॉलेज है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा और सारी बातें क्लियर करूंगा कि आपको किस प्लेटफॉर्म पर वीडियो कॉल करना चाहिए और किस प्लेटफॉर्म पर नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग एक यूट्यूबर हैं या फिर यूट्यूब के रिगार्डिंग बेसिक प्लस स्टैंडर्ड नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप लोग एक बार सुमित भारती इंडियन यूट्यूबर के चैनल को जरूर विजिट कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ढेर सारी नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिल जाएगी यूट्यूब से रिलेटेड। सो अगर आप लोग एक नए यूट्यूबर हैं, पुराने यूट्यूबर हैं या फिर यूट्यूब पर आने के लिए सोच ही रहे हैं, वो भी 2021 में, तो आप लोग एक बार जरूर से जरूर विजिट कीजिए और एक ही वीडियो देखिए, लेकिन कंप्लीट वॉच कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है आपको वीडियो पसंद आएगी, इन्फॉर्मेशन भी आपको सही लगेगी और आगे भी आप इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और जब आपको आगे भी इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि पैसा नहीं लगता है। वहीं पर अगर आप लोग अदर नॉलेजेबल टॉपिक के रिगार्डिंग जानकारी लेना चाहते हैं जो कि आपके डेली लाइफ में हमेशा काम आती है, लाइक एज घर बैठे पैन कार्ड कैसे बनवाएं, पैन कार्ड में ऑनलाइन कलेक्शन कैसे कराएं, बच्चों के लिए पैन कार्ड कैसे बनवाएं, आधार कार्ड रीइशू कैसे करवाएं, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर अपडेट, एड्रेस अपडेट कैसे कराएं घर बैठे, पासपोर्ट कैसे बनवाएं, ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें घर बैठे, वो भी फ्री में, मतलब कि फ्री में। अगर आप लोग इन सभी टॉपिक के रिगार्डिंग जानकारी लेना चाहते हो तो आप लोग एक बार सुमित एक्सेस के चैनल को जरूर विजिट कीजिए। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। यहाँ पर भी आपको ढेर सारी नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिल जाएगी जो कि आपके डेली लाइफ में हमेशा काम आती है। तो प्लीज विजिट हियर एंड सपोर्ट हियर, यहाँ पर भी पैसा नहीं लेगा, गारंटी है। बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो दोस्त, काफी सारे लोग हमेशा डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं कि पता नहीं मेरा नंबर कब आ जाएगा, यानी कि हमारा वीडियो कॉल कब हैक हो जाएगा, या फिर कोई हैकर्स हमारे वीडियो कॉल पर कब अटैक कर लेगा, या फिर वायरस कब हमारे मोबाइल में घुस जाएगा, पता नहीं चलेगा और मेरा सारा इन्फॉर्मेशन लूट ले जाएगा। वाकई में डर लगना भी चाहिए यार, क्योंकि देखिए अगर आपका इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ही एक इन्फॉर्मेशन जो है वो काफी अच्छा है आप लोगों के लिए, आपके देश के लिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, और उसे हाइड करके रखना ही बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन अगर वो लीक हो जाता है, कोई देख लेता है, चोरी कर लेता है, तो उस सिचुएशन में तो बवाल हो जाएगी ना। ठीक है, लेकिन दोस्त आम तौर पर वीडियो कॉल काफी सारे लोग करते हैं और प्राइवेट वीडियो कॉल भी करते हैं, मुझे पता है, लेकिन उनको डर जरूर बना हुआ रहता है कहीं मेरा वीडियो कॉल हैक ना हो जाए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई वीडियो कॉल कहाँ पर करना 100% सेफ रहेगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, वैसे ये चारों के चारों प्लेटफॉर्म काफी बड़े हैं और फेमस भी हैं, यहाँ पर से आप पहले वीडियो कॉलिंग करते थे और अभी भी करते आ रहे हैं। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं, अभी आजकल काफी सारे लोग इसीलिए डरे हुए हैं क्योंकि आजकल दो चार दिन से एक स्पाइवेयर या फिर आप उसे मालवेयर कहिए,
काफी बार अटैक कर रहा है काफी सारे जर्नलिस्ट पर, या फिर जो टीचर है, जो लीडर्स है, नेता नेता वगैरह है, या फिर जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन पर अटैक किया जा रहा है, उनके इन्फॉर्मेशन को लूटा जा रहा है, बस एक मिस्ड कॉल के जरिए। जी हाँ, मिस्ड कॉल के जरिए। दोस्त मैं आपको बता दूं, इस स्पाईवेयर का नाम है पेगासस स्पाईवेयर। जी हाँ, पेगासस स्पाईवेयर, और ये काफी खतरनाक स्पाईवेयर है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पाईवेयर है, क्योंकि इसको आप और हम हटा नहीं सकते अगर आपके मोबाइल में चला आया तो, ठीक है। अब ये आता कैसे है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद इससे आपको नुकसान क्या होगा वो भी क्लियर करूंगा, उसके बाद ये भी क्लियर करूंगा कि 100% सेफ रहेगा इन सारे जगहों पर वीडियो कॉल करना या फिर नहीं। तो देखिए, पेगासस स्पाईवेयर आपके मोबाइल में कैसे इंस्टॉल होता है ये मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको एक मिस्ड कॉल आएगी, जी हाँ, सिर्फ मिस्ड कॉल आएगी, आप कॉल रिसीव करो या ना करो, ठीक है, लेकिन सिर्फ मिस्ड कॉल से आपके मोबाइल में वो पेगासस स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। समझो यार, कितना ये एडवांस लेवल का बंदा या फिर हैकर्स कहिए, जो इस स्पाईवेयर को बनाया है कि सिर्फ मिस्ड कॉल के जरिए आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा ये स्पाईवेयर। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट, अगर आपको कुछ भेजा जाता है हैकर्स के द्वारा, जैसे कि ऑडियो फाइल्स हो गया, वीडियो फाइल्स हो गया, इमेज वगैरह हो गया, अगर आप उसे इंस्टॉल कर लेते हो अपने मोबाइल फोन में या फिर डाउनलोड वगैरह कर लेते हो, तो भाई उस सिचुएशन में भी ये पेगासस स्पाईवेयर आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, ये पॉइंट तो क्लियर हो गई कि कैसे इंस्टॉल होता है पेगासस स्पाईवेयर। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये पेगासस स्पाईवेयर क्या करता है, आपके मोबाइल में कैसे ये हैक कर लेता है आपके मोबाइल को। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, पेगासस स्पाईवेयर जिन्होंने भी बनाया है उसकी एक बहुत बड़ी टीम बैठी हुई है, जी हाँ, कहीं दूर बैठी हुई है, ये मैं क्लियर नहीं करूंगा कहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन कहीं दूर बैठी हुई है और आपके हरकतों पर नजर रख रही है, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा, क्योंकि काफी सारे लोगों के माइंड में ये सवाल रहता है कि भाई व्हाट्सएप पर तो जो भी हम चैट करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, तो भाई कैसे वो हमारे सारे चैट को या फिर वीडियो कॉल को देख सकता है, रीड कर सकता है। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आपके मोबाइल में पेगासस स्पाईवेयर एक बार इंस्टॉल हो जाता है ना, तो वो आपके व्हाट्सएप में कुछ भी नहीं करेगा, या फिर आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सारे जगहों पर कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड फीचर से लेस है। ओके, लेकिन वो आपके मोबाइल में ही सब कुछ कर देगा, मतलब कि आपके मोबाइल को ही मॉनिटर करेगा, ठीक है, आपके मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड करेगा, आपके मोबाइल का स्क्रीन शॉट लेगा, वीडियो रिकॉर्ड करेगा। तो भाई जब आप कुछ भी करोगे अपने मोबाइल फोन में, तो वो रिकॉर्ड करके अपने मालिक के पास, यानी कि जिसका जहां पर उसका टीम बैठा हुआ है, उस हैकर्स के पास भेज देगा। तो यहाँ पर एंड टू एंड इनक्रिप्शन फीचर का मतलब ही क्या रह गया, ठीक है, क्योंकि वो आपके व्हाट्सएप में कुछ नहीं किया है, लेकिन हाँ, आप व्हाट्सएप में जो कुछ कर रहे हो या फिर बैंकिंग से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, पासवर्ड, यूजर आईडी डाल रहे हो, तो वो रिकॉर्ड कर लेगा, स्क्रीन शॉट उसका ले लेगा और रख लेगा, ठीक है। तो हो गया ना आपका पूरा मोबाइल हैक, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं अपने मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट कर दूंगा, फॉर्मेट मार दूंगा, तो मेरा मोबाइल जो है वो ठीक हो जाएगा, पेगासस स्पाईवेयर गायब हो जाएगा। तो भाई नहीं, ऐसी बात है नहीं, क्योंकि पेगासस स्पाईवेयर काफी कॉस्टली स्पाईवेयर होता है, काफी ज्यादा महंगा स्पाईवेयर होता है, और ये जो स्पाईवेयर है उसी पर अटैक करवाया जाता है जो काफी बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे जर्नलिस्ट होते हैं, या फिर कोई टीचर्स होता है, नेता होता है, या फिर कोई भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनके ही पास या फिर उनके ही मोबाइल में ये स्पाईवेयर इंस्टॉल करवाया जाता है, क्योंकि उनके पास कंट्री के, अपने देश के कुछ लीगल इन्फॉर्मेशन होते हैं, और उसे चुराने के लिए, उसे लूटने के लिए ये स्पाईवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं भी इससे डरूं, क्या मुझे भी इस तरह का स्पाईवेयर इंस्टॉल मेरे मोबाइल में हो सकता है, क्या मेरा मोबाइल हैक हो सकता है। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि ये बड़े बड़े लोगों पर अटैक करवाया जाता है इस स्पाईवेयर के जरिए, नॉर्मल लोगों पर स्पाईवेयर नहीं, ये स्पाईवेयर नहीं भेजा जाता, यानी कि पेगासस स्पाईवेयर नॉर्मल लोगों के मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करवाया जाता है, क्योंकि पेगासस स्पाईवेयर काफी महंगा होता है और इससे हैकर्स को कोई फायदा नहीं होगा, तो वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करेगा। लेकिन हाँ, एक बार जब ये पेगासस स्पाईवेयर आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया ना, तो आप अपने मोबाइल में कुछ भी कर लो, कुछ भी, वो डिलीट नहीं होगा आपके मोबाइल से, वो हटेगा नहीं पेगासस स्पाईवेयर, ये बात तो मान लो यार, ठीक है। आपको वो मोबाइल छोड़ना ही पड़ेगा, और छोड़ने में ही बेटर है आप उस मोबाइल को छोड़ ही दीजिए, दूसरा मोबाइल आप परचेज कर लीजिए, तभी आपको उस स्पाईवेयर से छुटकारा मिलेगा। लेकिन अगर आप उसे फॉर्मेट करके या फिर उसे फैक्ट्री रिसेट करके चाहते हैं हैकर से बचना, तो नहीं बचेंगे आप, इसलिए आप बच के रहिए। ओके,
अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई ये तो पेगासस स्पाइवेयर के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया, लेकिन इससे रिलेटेड ही था इसलिए मैंने आपको जानकारी दे दिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो स्पाइवेयर है जब आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है तो ठीक है, मतलब कि आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वीडियो कॉल व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर कहाँ से करूँ ताकि 100% सेफ और सिक्योर रहेगा हमारा वीडियो कॉल। तो भाई जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप किसी जगह से करो, कोई भी प्लेटफॉर्म से करो, किसी भी ऐप से करो वीडियो कॉल या फिर ऑडियो कॉल किसी भी तरीके का, तो 100% आप कहीं पर भी सेफ और सिक्योर नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर दूसरा आंसर ये भी आता है कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर 100% सेफ और सिक्योर भी है, क्योंकि अगर बग आ जाता है, किसी भी तरह का वायरस अटैक कर देता है व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पर ही, या फिर कोई बग आ जाता है बहुत बड़ा बग, या फिर कोई ऐसा टेक्निकल इशू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, हैकर्स अटैक कर लेता है प्लेटफॉर्म पर, तब तो आपका बल्ले बल्ले हो ही जाएगा, तब आप 100% सेफ नहीं हो। ठीक है, मतलब कि तब आप वीडियो कॉल व्हाट्सएप पर कर रहे हो, इंस्टाग्राम पर कर रहे हो, टेलीग्राम पर कर रहे हो, या फिर कहीं पर भी कर रहे हो, आप 100% सेफ नहीं हो। और हाँ दोस्त, मैं आपको बता दूं, इंटरनेट पर अगर आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी, वहां पर आप 100% सेफ और सिक्योर नहीं है। ठीक है, ये बात गांठ बांध लो। अगर आप ये सोच करके इंटरनेट पर काम कर रहे हैं कि भाई मैंने 2-स्टेप वेरिफिकेशन लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बहुत कुछ कर लिया मैंने, तो मेरा 100% डेटा जो है वो सेफ और सिक्योर रहेगा, तो आप भ्रम में जी रहे हो, आपका गलत सोच है। ठीक है, कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, जहां तक कि मुझे जानकारी है, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि फिर भी आपको सतर्क रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए, कोई गलतियां आपको ना करनी चाहिए, मतलब कि छोटी सी गलती आपको बर्बाद कर सकती है। तो इसलिए अगर अनजान नंबर से आपको कॉल आए, या फिर अगर आप कॉल रिसीव करते हो तो वो कुछ आपको स्पायवेयर, मालवेयर, या फिर कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए बोले, या फिर आपको कोई कॉड डालने के लिए बोले, किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए बोले मैसेज के थ्रू, या फिर इन्फॉर्मेशन मांगा जाए आपसे, कुछ भी आपसे मांगा जाए, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो जाए कि भाई ये गलत बंदा है, तो आप भूल कर भी कोई भी गलत कदम मत उठाना, एक छोटी सी गलती आपको बर्बाद कर देगी। ठीक है, जैसा कि पेगासस स्पाइवेयर कर रही है, सिर्फ मिस्ड कॉल के जरिए मोबाइल हैक कर रही है। ठीक है, तो दोस्त मैं आपको बता दूं, वैसे तो क्लियर ही हो गया कि 100% सेफ और सिक्योर कहीं पर भी नहीं है वीडियो कॉल करना, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ गलती नहीं करते हो, बिल्कुल सतर्क होकर के चल रहे हो, 100% गलती आप एक रत्ती भर भी नहीं करते हो, तो आप व्हाट्सएप पर करो, फेसबुक पर करो, इंस्टाग्राम पर करो, टेलीग्राम पर करो, जहां भी मन हो आप वीडियो कॉलिंग करो यार, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका डेटा चोरी नहीं होगा, आपका वीडियो कॉल लीक नहीं होगा, लेकिन गलती मत करना यार। लेकिन हाँ, बग आ जाता है, कोई इशू आ जाता है, कोई वायरस अटैक कर जाता है व्हाट्सएप के, फेसबुक के, टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म पर, या फिर कोई हैकर से, बहुत बड़ा हैकर से व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, या फिर हर जगह पर अटैक करने लगता है, तो उस सिचुएशन में लाखों लोगों का जो डेटा है, वीडियो कॉलिंग है, ऑडियो कॉलिंग है, इमेज, वीडियो, कुछ भी है, वो लीक हो सकता है, चोरी हो सकता है उनमें से आपका भी नंबर हो, ये हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुल मिलाकर के ये कहूँ कि आप 100% ये मत सोचिए कि इंस्टाग्राम पर या फिर इंटरनेट पर मैं कुल मिलाकर के सेफ हूँ, सिक्योर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं भाई, आप सेफ 100% नहीं हो, लेकिन अगर आप गलती नहीं करते हो तो आप बहुत हद तक सेफ हो। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो आज बस, आई होप दोस्त आज की यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना, और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर देना। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।